बीते महीने मई 2022 में ट्रैक्टर की बिक्री आसमान छूती नजर आ रही है। हमें प्राप्त डाटा रिपोर्ट भारतीय ट्रैक्टर बाजार में एक पॉजिटिव सेल रिपोर्ट के रूप में उभर के सामने आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक्टर न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुभाष महतो। अगर बात करें मई 2022 में ट्रैक्टर्स की बिक्री की, तो प्राप्त जानकारी के अनुसार देश में 52,487 यूनिट्स की बिक्री हुई है, जो कि पिछले साल मई 2021 में 16,623 यूनिट से बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही अगर बात करें ब्रांड वाइज सेल की, तो इसमें सबसे पहले नंबर पर नाम आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रैक्टर्स लिमिटेड का, जहां कंपनी ने मई 2022 में 11,960 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है, जो कि मई 2021 में 3,805 यूनिट्स की तुलना में बिक्री में 214.32% की वृद्धि दिखाता है। इसके बाद अगर बात करें दूसरे नंबर की, तो यहाँ भी महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्वराज डिवीजन के ट्रैक्टर्स का नाम आता है, जहाँ कंपनी ने मई 2022 में 8,789 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है, जो कि मई 2021 के 2,951 यूनिट्स की तुलना में बिक्री में 197.83% की वृद्धि दिखाता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के फार्म इक्विपमेंट सेक्टर के प्रेसिडेंट हेमंत सिक्का ने कहा कि यह आंकड़े अप्रैल 2022 में प्राप्त 51% की वृद्धि के ठीक पीछे हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय पर आगमन और सामान्य मानसून के पूर्वानुमान के साथ खरीफ फसल में रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर पारिश्रमिक सुनिश्चित करने, सकारात्मक भावना पैदा करने और ट्रैक्टरों और कृषि उपकरणों की उच्च मांग को सुनिश्चित करने के लिए खाद कीमतें लगातार ऊंची बनी हुई हैं, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। अब इसके बाद अगर बात करें तीसरे नंबर की, तो यहाँ नाम आता है टैफे लिमिटेड का। कंपनी ने मई 2022 तक 6,821 यूनिट्स बेची हैं, जबकि मई 2021 में टैफे लिमिटेड ने 1,902 यूनिट्स बेचे थे, जो कि साफ तौर पर 258.62% की वृद्धि दिखाता है। इसके साथ ही अब कंपनी की बाजार हिस्सेदारी में भी सुधार हुआ है, जो कि कंपनी के लिए अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद चौथे नंबर पर नाम आता है इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड का, या फिर यू कहें सबसे इनोवेटिव ब्रांड सोनालिका इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड का, जहां कंपनी ने मई 2022 में 6,111 यूनिट्स की बिक्री की है, जो मई 2021 की तुलना में 3,895 यूनिट ज्यादा है। इस तरह देखा जाए तो कंपनी की बिक्री में 175.77% की वृद्धि हुई है। और आखिर में पांचवें नंबर पर नाम आता है एस्कॉर्ट्स लिमिटेड का। जी हाँ, विशुद्ध रूप से भारतीय ब्रांड एस्कॉर्ट्स लिमिटेड ट्रैक्टर की बिक्री में भी 235.02% की वृद्धि दर्ज करके आप पांचवें नंबर पर पहुंच गया है, जिसके कारण कंपनी ने मई 2022 में 0.64% की बाजार हिस्सेदारी में भी बढ़त हासिल की है। कंपनी ने मई 2022 में 5,826 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है, जो मई 2021 में बेचे गए 1,739 यूनिट्स की तुलना में काफी ज्यादा है। एस्कॉर्ट्स मशीनरी ब्रांड का कहना है कि इस साल बेहतर फसल मूल्य प्राप्ति और सामान्य वर्षा और संभावित समय पर बुआई के पूर्वानुमान के कारण इस फसल के मौसम में अत्यधिक गर्मी की स्थिति के कारण कम फसल पैदावार के बावजूद ग्रामीण भावना में धीरे धीरे सुधार हुआ है। तो ये थी मई 2022 में भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा बेचे गए टॉप 5 ट्रैक्टर्स कंपनियों के बारे में जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हम आगे भी इसी तरह से आप तक ऐसी ही नई नई जानकारियां पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए जुड़े रहिए हमारे ट्रैक्टर न्यूज चैनल से। धन्यवाद।